सो गाइस 40 MB के अंदर बेस्ट एक्शन फाइटिंग गेम्स कौन सा है, और आप में से बहुत सारे यूजर्स ने मुझसे पूछा कि ये जो गेम मैं प्ले कर रहा हूँ ये कौन सा गेम है, और इस गेम में एक प्रॉब्लम भी है, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष, और इस गेम को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल से आपके फ़ोन के प्ले स्टोर पर आइए, और यहाँ पे आप लोग सर्च कीजिए स्ट्रीट किक फाइटर, और स्ट्रीट किक फाइटर लिख के सर्च करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो नाम है वो कुंग फू बेस्ट फाइटर है, कुंग फू गेम्स इस गेम का नाम है, जिसका डेवलपर का नाम है गेमिंग ग्लोब INC। और इसके जो अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो सिर्फ इसका 40 MB इसका साइज़ है, और आप लोगों ने शायद देखा होगा कि इसका ग्राफिक्स वगैरह बहुत ही हाई है, 40 MB के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। लेकिन इस गेम में प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद तो सबसे जो एक पहला प्रॉब्लम है, आप लोगों ने जैसे कि देखा कुंग फू बेस्ट फाइटर इस गेम का नाम है, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद इस गेम का नाम हो जाता है स्ट्रीट किक फाइटर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स पे भी दिखा देता हूँ, तो सेटिंग्स पे जाऊँ, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स पे आऊँ, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट बाय इंस्टॉलेशन टाइम पे सेट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस गेम का नाम है स्ट्रीट किक फाइटर, लेकिन प्ले स्टोर पे ये शो हो रहा है कुंग फू बेस्ट गेम करके। और इसका इंस्टॉलेशन के बाद इसका साइज़ हो गया लगभग 85 MB का। और उसके बाद इसमें जो एक और प्रॉब्लम है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जब भी आप लोग इस गेम को ओपन करेंगे तो सिर्फ ये मीडिया स्टोरेज का ही परमिशन नहीं, बल्कि आपकी फ़ोटोज़ का भी यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। तो इसे आप तो सबसे पहले यहाँ पे डिनाई कीजिए, उसके बाद लोकेशन पे भी मांग रहा है। तो ये एक ऑफलाइन गेम है, पूरी तरीके से आप ऑफलाइन पे भी इस गेम को प्ले कर सकते हैं, तो इसीलिए अगर आपके लोकेशन भी मांगे तो भी आप इस लोकेशन को भी डिनाई कर दीजिए। और ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉल्स वगैरह है उसे मैनेज के लिए यहाँ पे परमिशन ले रहा है, तो इसे भी आप डिनाई कर दीजिए। तो इन सभी को डिनाई करने के बावजूद इस गेम को आप बहुत ही आसानी से प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग को जो एक और चीज़ करना है, अगर आप लोग इस गेम को प्ले करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप सेटिंग्स पे आइए, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स पे आइए, उसके बाद यहाँ पे आपका गेम को इस गेम को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे जो अदर परमिशंस वगैरह है, सॉरी अदर परमिशंस नहीं, यहाँ पे जो ऐप्स परमिशन है, और यहाँ पे आप अगर अलाउ भी कर देते हैं तो इसे आप सिंपल सा इस तरीके से डिसेबल कर दीजिए, उसके बाद ही इस गेम को प्ले कीजिए। क्योंकि इस गेम में मेरे ख्याल से कुछ अनवांटेड चीज़ें भी यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, तो मेरे ख्याल से जो आप लोगों को नहीं देना चाहिए। तो इस गेम में बस यही एक प्रॉब्लम है जो मुझे ऐसा लगा, तो इसीलिए मैंने पिछले वाले वीडियोस में कमेंट्स में आप लोगों को इसका नाम वगैरह नहीं बताया। मैं चाहता था कि आप लोग सेफ रहिए, और सेफ तरीके से इस गेम को अगर आप लोग प्ले करना चाहते हैं तो प्ले कर सकते हैं। सो गाइस, ऐसा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में और भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो अपनी चीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी भी इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।